सो नमस्ते, मैं हूँ अंकित और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सो ये मेरे फ्रेंड ने अमेज़ॉन से साविया होम एपेक्स चेयर मंगाई है और इसका बॉक्स हमें डिलीवर हो चुका है। सो यहाँ पे बॉक्स पे प्राइस लिखी है 18,000 रुपीज़ और ये हमें मिली है 5,399 रुपीज़ में। सो आपको ये चेयर परचेस करनी है तो मैं अमेज़ॉन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, सो आप वहाँ से परचेस कर सकते हैं। सो जल्दी से ओपन करते हैं और देखते हैं बॉक्स में क्या क्या मिलता है। सो इस पैकेजिंग की वजह से इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छे से हुआ है, तो इसको कोई बच्चा भी आसानी से उठा सकता है। एंड इसमें सब कुछ पहले से ही प्री अटैच आता है, सो आपको सिर्फ बैकरेस्ट सीट और हाइड्रोलिक्स को ही अटैच करना है। सो ये रहा हाइड्रोलिक्स चेयर को ऊपर नीचे करने के लिए। एंड ये रहा इसका बैकरेस्ट और हेडरेस्ट साथ में ही अटैच करके दिया है। एंड ये है इसका व्हील बेस और ये स्टील का व्हील बेस है और इसके व्हील्स की क्वालिटी भी काफी अच्छी है। एंड ये है हाइड्रोलिक्स को कंट्रोल करने वाला मैकेनिज्म। एंड इसमें आपको मैनुअल और टूल्स दिए गए हैं चेयर को असेंबल करने के लिए, लाइक स्क्रू और एलन की दी गई है। सो सबसे पहले हम ये हाइड्रोलिक्स मैकेनिज्म को चेयर पे अटैच करेंगे। सो उसके लिए हमें ये स्क्रू को निकालना होगा एलन की से। सो सीट पे आप ये रेड कलर का एरो का स्टिकर देख सकते हैं, सो उसी डायरेक्शन में आपको ये हाइड्रोलिक्स मैकेनिज्म को अटैच करना है। एंड उसके बाद हम मैनुअल में देख के इस हाइड्रोलिक्स को हम व्हील बेस पे अटैच करेंगे। सो आप वीडियो में देख सकते हैं इस हाइड्रोलिक्स पे बहुत ज़्यादा ग्रीस लगा हुआ है, सो आप ग्लव्स पहन के भी आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। सो अभी आप देख सकते हैं हमारा व्हील बेस रेडी हो चुका है। सो अभी हमें सीट के नीचे स्क्रू दिए गए हैं, उसको निकालना है एलन की से और उसके बाद हमें बैकरेस्ट को इससे अटैच करना है। सो आप देख सकते हैं बैकरेस्ट को हमने सीट में अटैच कर दिया है। सो इस एरो की पोजीशन आप फिर से एक बार चेक कर ले। एंड हमारा लास्ट स्टेप, इस चेयर को हमें इस हाइड्रोलिक्स में अटैच कर देना है। सो आप देख सकते हैं हमारी चेयर रेडी हो चुकी है। सो काफी इजी है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सो आप वीडियो में देख सकते हैं हाइड्रोलिक्स अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड इस चेयर में आपको पीछे की तरफ एडजस्टेबल लंबर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, सो एर्गोनॉमिक्स पोजीशन के लिए काफ़ी बढ़िया है। एंड ऊपर की तरफ आपको हेडरेस्ट देखने को मिल जाता है, वो भी एडजस्टेबल है। सो आप वीडियो में देख सकते हैं इसमें बैकरेस्ट मैश का दिया गया है, सो आपको गर्मियों में स्वेट की प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड व्हील बेस काफ़ी फ्रीली घूम रहे हैं, टाइल्स और कारपेट पे भी आप वीडियो में देख सकते हैं, सो व्हील बेस की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड ये चेयर आपको परचेस करनी हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।